अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम फ्रेंड्स, ये है गफ्फार का बाबा हाउस, जहाँ पर हम कई बार पहले भी विज़िट कर चुके हैं, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम के बाद दोबारा विज़िट करना हुआ तो सोचा कि एक ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर किया जाए। यहाँ पर हमने कढ़ाई नारी और बारबेक्यू ऑर्डर किया था। बारबेक्यू के अंदर हमने यहाँ पर ग्रीन टिक्का और बीफ धागा कबाब ऑर्डर किया था, जिसका टेस्ट बहुत बेस्ट था, लाजवाब था, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद हमने यहाँ पर मिक्स कढ़ाई थी, बीफ और चिकन की बेस्ट थी, लेकिन शायद नारी में ये लोग नमक डालना भूल गए थे। गरम गरम नान के साथ फ्राई कबाब और क्रिस्पी पराठा, भाई वाह, लाजवाब इसका टेस्ट था। पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक को यहाँ पर सपोर्ट किया गया था, आप भी इसको ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। मीठे में पुडिंग जो थी वो जस्ट ओके थी, लेकिन गुलाब जामुन ने सबको कवर कर लिया था और सूजी का हलवा थोड़ा सा मीठा था, बट इट्स बेस्ट। लेकिन यहाँ पर इसके बाद हम पहुँचे धोराजी स्ट्रीट गोला गंडा अंकल कादर की गोला शॉप पर। यहाँ पर सब ने अपनी अपनी पसंद का गोला इंजॉय किया था, किसी ने चॉकलेट फ्लेवर, किसी ने कोमल फ्लेवर का। वैसे तो आपको इस स्ट्रीट में बहुत ही बेस्ट गोला गंडा आपको मिलेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर अंकल कादर का गोला गंडे की शॉप से इंजॉय किया था गोला गंडा। इसके बाद यहाँ पर हमने गोलगप्पे इंजॉय किए थे। जी, आप धोराजी स्ट्रीट पर जाएँ और गोला गंडा इंजॉय ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ का लिमका आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद लास्ट में हमने जी इंजॉय किया था मीठा पान, और ये था हमारा आज का सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।